बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। आज के जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से होगा। तिलावत फरमाएंगे कारी अब्दुल्ला भागलपुरी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलि दुउल्लाह अविदुउर्रहमान। أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم। मैं अब्दुल्ला भागलपुरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। हम अपने मेहमान खुसूसी और आज के खतीब इज़्ज़त माब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब का पुरजोश इस्तकबाल करते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आज के मुकर्रर डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मगर फिर भी मैं डॉक्टर साहब का मुख्तसरन तारुफ पेश करना मुनासिब समझता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नायक आलम इस्लाम की मारूफ और अजीज़ शख्सियत है। दुनिया के हर मुल्क में उनके मदाह मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सदर, IRF एजुकेशनल ट्रस्ट मुंबई के चेयरमैन। डॉक्टर ज़ाकिर नायक की उम्र 40 साल है और वो मेडिकल डॉक्टर हैं, मगर इस्लाम की खिदमत के लिए अपने पेशे को तर्क करके मुकम्मल तौर पर दीन की दावत के काम में मसरूफ़ हैं। इस्लाम और गैर मज़ाहिब का मवाजना यानी कंपैरेटिव रिलीजन के लिए दुनिया भर में न सिर्फ मशहूर हैं बल्कि सर फहरिस्त हैं। दीगर अक़वाम में इस्लाम के बारे में जो गलत तासुरात, गलत ख़यालात और गलत फहमियाँ हैं, आप कुरान और सही हदीस की रोशनी में उसे बड़े ही मनतकी तौर पर दूर फरमाते हैं और वह दीगर अक़वाम के सामने इस्लाम की सही और हकीकी तालीम पेश करते हैं। वह अपने तकरीर के बाद सामीन के सवालात के नहायत ही पुरअसर, काबिल कबूल और तशफ़ी बख्श जवाबात देकर सामीन को मशहूर कर देते हैं। आपने हिंदुस्तान में सैकड़ों मकामात पर अपनी पुरमकस तकारीर से लाखों अफराद को मुतासर किया है। हिंदुस्तान के अलावा आप अमेरिका, कनाडा, यूके, सऊदी अरबिया, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और दीगर कई ममालिक में 700 से ज़्यादा तकारीर कर चुके हैं। आपने कई सिंपोजियम्स, डिबेट्स और सेमिनारों में हिस्सा लिया है। कई बार दीगर अक़वाम के मजहबी पेशवाओं से मुबाहिसे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। आपका मशहूर ज़माना डिबेट जो अमेरिका के डॉक्टर विलियम कैम्बल, जो कि ईसाइयों के चोटी के आलिम हैं, से हुआ था। उन्वान था कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने अपने दलाइल से विलियम कैम्बल साहब को लाजवाब कर दिया था। इस प्रोग्राम की सीरीज़ अवेलेबल है, आप ख़रीद सकते हैं। शेख अहमद दीदात, जो कि आलम इस्लाम की एक और मशहूर शख्सियत हैं, जिनका 8 अगस्त 2005 को इंतकाल हुआ और जिन्हें कंपैरेटिव रिलीजन में काफ़ी अहमियत हासिल रही है, उन्होंने बड़े ही प्यारे अंदाज में डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब की तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था, ही इज़ दीदात प्लस। अहमद दीदात ने मई 2000 में डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब को एक सनद पेश की जिस पर जली हुरफों में ये जुमला कुरिंदा है। डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने दावत के कामों में और कंपैरेटिव रिलीजन के सिलसिले में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर लिया है। अहमद दीदात कहते हैं, जो काम मैं 40 सालों में कर पाया, उन्होंने 4 सालों में कर दिखाया। ये इंतहाई बड़ा एजाज़ है। डॉक्टर ज़ाकिर नायक दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों के TV चैनल्स पर आ चुके हैं। आपने इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन पर कई किताबें तसनीफ़ की हैं। ये किताबें बहुत मकबूल हुई हैं। कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, इस्लाम एंड टेररिज्म, इज़ द कुरान गॉड्स वर्ड, रिप्लाइज टू द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय नॉन मुस्लिम्स। ये इनकी मशहूर तसानीफ हैं। आपकी सैकड़ों तकारीर, सिंपोजियम, डिबेट्स, वीडियो कैसेट और सीरीज़ और ऑडियो कैसेट पर दस्तयाब हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये था डॉक्टर ज़ाकिर नायक का मुख्तसरन तारुफ। सामीन इकराम, आज की तकरीर का उन्वान है, हिंदू मज़हब और इस्लाम में यकसानियत, यानी similarities between Hinduism and Islam. ख़वातीन व हज़रात, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नायक से मौदबाना दरख्वास्त करूँगा कि वो आप लोगों से खिताब फरमाएँ। इज़्ज़त माब डॉक्टर ज़ाकिर नायक सर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम अल्ला नअब्दा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलु शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। जनाब मुनव्वर पीर भाई साहब, जनाब अनवर मुख्तार साहब, जनाब मंजूर शेख साहब, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप सब का खैर मकदम करता हूँ इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुबहाना व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेज़ी में ही करता हूँ। चंद मौक़ों पर जब ऑर्गेनाइज़र्स इसरार करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मेरी कमज़ोर उर्दू या कमज़ोर हिंदी में तकरीर करने की, जैसे कि आज का मौका है। आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंग्रेज़ी ज़बान पर महारत रखता हूँ, जो कि मैं उर्दू ज़बान पे नहीं रखता हूँ। जाहिर है कि मैं इस उर्दू तकरीर में काफ़ी गलतियाँ करूँगा, जिसके लिए तकरीर के शुरू में ही मैं आप सब से माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप मेरी इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और इस तकरीर के मवाद, इस तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मज़हब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत, सूरे अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुबहाना व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखीज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रज़ा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मज़हब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मज़हब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मज़हब को जानने के लिए है कि उस मज़हब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम के किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और इसके बाद है सही हदीत। इस तकरीर में मैं उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि दोनों मज़ाहिब में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ये चीज़ें जो आम हिंदू और मुसलमान जानते हैं, मैं इसका तस्किरा इस तकरीर में नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन यकसानियत का जिक्र करूँगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम नहीं जानते कि ये दोनों मज़ाहिब में मौजूद है, दोनों धर्मों में मौजूद है। हिंदू धर्म और मज़हब इस्लाम में यकसानियत जानने के पहले हम ये जान ले हिंदू धर्म और मज़हब इस्लाम की क्या मानी है। ये लफ्ज़ हिंदू, ये एक जोग्राफिकल डेफिनेशन है, जोग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाके के एतबार से तारीफ है। और हिंदू उसे कहते हैं वो लोगों को जो इंडस नदी के पास रहते हैं या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अरबों ने जब वो हिंदुस्तान आए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज़ पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था जब वो हिंदुस्तान में आए हिमालय के ओर से। जब हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ते हैं, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 6 हवाला नंबर 699 में कि ये लफ्ज़ हिंदू कोई भी भारतीय किताब में मौजूद नहीं था जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी किताब में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सफ़ा नंबर 74 एंड 75 में कि जब हम तहकीक करते हैं ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहली बार एक तांत्रिक में आता है 8वीं सदी में। और सबसे पहली बार जब इस्तेमाल किया गया, इसके मानी थे लोगों के लिए, धर्म के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्म के लिए इस्तेमाल हाल ही में किया जा रहा है। इसीलिए हमें पता लगता है कि ये लफ्ज़ हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाकी एतबार से कहा जाता है उन लोगों को जो लोग सिंधु नदी या इंदु नदी के पास रहते हैं। इसका इस्तेमाल धर्म के लिए हाल ही में हुआ है। अब हम समझेंगे हिंदुइज़्म या हिंदू धर्म की मानी क्या है। ये लफ्ज़ हिंदुइज़्म हिंदू से आता है और सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में। और हिंदुइज़्म ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इस भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को बताने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था हिंदुइज़्म। और जब हम पढ़ते हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें लिखा हुआ है जिल्द नंबर 20 में हवाला नंबर 581 में कि ये लफ्ज हिंदुइज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था ब्रिटिश राइटर्स ने। ब्रिटिश राइटर्स, अंग्रेज लेखकों ने इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए जिनका धर्म हिंदुस्तान में, इस भारत में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को, उनके बिलीफ्स को, उनके फेथ्स को, उनके रिलीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, हिंदुइज्म। इसीलिए हिंदू पंडित, हिंदू स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदुइज्म या हिंदू धर्म एक मिसनोमा है, ये एक गलत लफ्ज है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेदा में मानते हैं। और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को। इसलिए सही लफ्ज है वेदांतिस्ट और वैदिक धर्म या सनातन धर्म। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम का। ये लफ्ज इस्लाम आता है सलम से, जिसके मानी है अमन या सलामती। ये लफ्ज इस्लाम सलम से भी आता है, जिसके मानी है अपनी रजा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और ये लफ्ज़ इस्लाम कुरान और सही हदीस में कई बार आता है। इसका जिक्र कुरान में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में और सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में। और जो शख्स अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। और ये लफ्ज़ मुस्लिम का जिक्र भी कई बार कुरान मजीद और हदीस में आता है। इसका जिक्र, मुस्लिम लफ्ज़ का जिक्र सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में भी आता है और सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में भी आता है। और लफ्ज़ इस्लाम का जिक्र आता है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में और सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में। और मजहब इस्लाम में यकसानियत। हम पहले जिक्र करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम के ईमान के अरकान की यकसानियत के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 में, नेकी यही नहीं है कि आप अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ मोड़ो, नेकी यह है कि आप अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, उसके मलाइका पर ईमान लाओ, उसके किताबों पर ईमान लाओ, उसके नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाओ। जिक्र आता है सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में पाठ नंबर 2 हदीस नंबर 6 में। एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमान वो है कि आप अल्लाह सुबहाना व तआला पर ईमान लाओ, उनके मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, पैगंबरों पर ईमान लाओ, उनके मिलने पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ और कदर तकदीर पर ईमान लाओ। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना और छठा कदर तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है, का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा उस भगवान का कोई भी वालदेन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना माँ है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारा उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, All those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्रा नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म अंधकार में, प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है, और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्रा नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्रा नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद, यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्रा नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है। और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्रा नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर, जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है, और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता सितारा उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्टेन है, लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके चार हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्रा नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्रा नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा भगवान का सही तस्वुर। अब हम तस्किरा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वुर, अल्लाह का तस्वुर, और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है वो है, आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुबहाना व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टच स्टोन है थियोलॉजी का। टच स्टोन उर्दू में मैं कहूँगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं, आप ये सोना जौहरी को देते हैं, और वो सोने को टचस्टोन से एक पत्थर से घिसता है, और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है या 20 कैरेट का है या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है। All that glitters is not gold. इसे कहते हैं टचस्टोन। सूरह इखलास is the touchstone of theology. जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कई लोग भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। एक तकरीर के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर जाकिर नायक, हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ चुका हूँ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, और आप तो जानते होंगे भगवान रजनीश के बारे में। आप जानते हैं क्या नहीं? आप भगवान को जानते हैं क्या नहीं? जानते, क्योंकि उसका ताल्लुक इस शहर, इस सिटी पूना से है, उसका मरकज पूना ही है। अब हम देखेंगे क्या भगवान रजनीश सही खुदा है क्या नहीं। सबसे पहला टेस्ट, पहली आयत, कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैं खुदा हूं? कई इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। खुसूसन इस देश हिंदुस्तान में, इस देश भारत में हजारों इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। वो एक ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक रजनीश भक्त कहेगा भगवान रजनीश यूनिक है, अलग है, वो स्पेशल है। ठीक है, हम दूसरी आयत पर जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज था? हम जब उसकी आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश को डायबिटीज की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं खुदा को, भगवान को डायबिटीज है, भगवान को, खुदा को अस्थमा है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जनता है। ही बिगेट्स नॉट नो इज बिगॉटन। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश के वालदेन थे, माता भी थी और पिता भी थे, और उसकी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई, और सन 1981 में भगवान रजनीश अमेरिका यूएसए जाता है, और वहाँ एक शहर ओरेगॉन, इन द स्टेट ऑफ ओरेगॉन, वो अपना एक गांव बनाता है जिसका नाम था रजनीशपुरम। और वो हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ़ बनाता है। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश का इल्ज़ाम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे धीरे धीरे जहर दिया। आप सोच सकते हैं कोई भगवान, कोई खुदा को जहर दे रहा है। और 1985 में, सन 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट भगवान रजनीश को यूएसए के बाहर निकाल देती है। फिर से वो इस शहर में आता है, आपके शहर में, पूना में, और अपने मरकज ओशो कम्यून, आज उसका नाम है ओशो कम्यून, वो जाता है। अगर आप ओशो कम्यून रजनीश के मरकज जाएंगे, और मैं कई बार जा चुका हूँ दावा करने के लिए, माशाल्लाह। आप सोचेंगे क्यों गया था मैं। आप उसकी समाधि पे जाएंगे, उसके टूम्बस्टोन, उसके तख्ती पे लिखा हुआ है भगवान रजनीश, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. ओशो ना वो पैदा हुआ ना उसकी मौत हुई, लेकिन इस ज़मीन पे वो सैर करने के लिए, घूमने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक ना वो पैदा हुआ ना मरा, लेकिन दुनिया की सैर करने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक। उस तख्ती पे, उस टूम्बस्टोन पे ये नहीं लिखा था कि उसे 21 मुमालिक के वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं भगवान खुदा दुनिया पे सैर करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, और उन्हें वीज़ा नहीं मिलता है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस, उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान रजनीश को इस देश से नहीं निकालते हैं, हम उसका घर जलाएंगे और उसके शागिर्दों का घर जलाएंगे। और आखिरी आयत, आखिरी इम्तिहान, वलम यकुल लहु कुफवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर हम खुदा को, अल्लाह को, किसी के बराबर कर सके, अल्लाह के साथ किसी को बराबर कर सके कायनात में किससे भी, तो वो खुदा नहीं, तो वो अल्लाह नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम अगर अल्लाह के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में तो वो खुदा ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश, उसके दो आँख थे आम इंसान जैसे, एक नाक, एक मुंह, दो कान, दो हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर हम खुदा के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, तो वो खुदा ही नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान, खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आप जानते होंगे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसको टाइटल मिला था मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, सबसे ताकतवर इंसान इस दुनिया में, इस कायनात में, उसको टाइटल मिला था। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर यूएसए का है। अगर कोई कहता है कि खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप खुदा से किसी की बराबरी कर सके, चाहे वो 1000 गुना हो या करोड़ गुना हो, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो या दारा सिंह हो या किंग कॉन्ग हो, अगर आप अल्लाह की बराबरी, खुदा की बराबरी किसी से कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये है 4 आयतों का तसव्वुर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, जिसकी तिलावत कारी साहब ने की थी, अविदुर्रहमान अयमतदु फलाल अस्माउल हुस्ना। चाहे आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, चाहे अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से पुकारो, कोई भी नाम से पुकारो, अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। और इसका जिक्र सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180, सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8 और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में भी आता है कि अल्लाह सुबहाना व तआला के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। आप कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अच्छे नाम से पुकारो, खूबसूरत नाम से पुकारो, वो नाम जो अल्लाह सुबहाना व तआला अपने बारे में पुकारना पसंद करता है। और कुरान और हदीस में अल्लाह सुबहाना व तआला की 99 सिफत है। No less than 99 attributes have been given to Allah subhanahu wa ta'ala, जैसे कि अर्रहमान, अर्रहीम, अलहकीम, अलखालिक, और सबसे ऊपर है अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह को इस अरबी लफ्ज़ अल्लाह से क्यों पुकारना पसंद करते हैं? क्योंकि ये लफ्ज़ अल्लाह जो अरबी है, इसको तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता है। अक्सर जितने भी दिगर ज़बानों में अल्लाह का जो तर्जुमा होता है या जिस दिगर ज़बानों में अल्लाह को बुलाया जाता है, उस अल्फाज को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं गॉड, इस लफ्ज़ गॉड को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर गॉड को हम जोड़ते हैं एस, तो हो जाता है गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड, खुदा की जमा। अगर हम जोड़ते हैं गॉड को DESS, तो हो जाता है गॉडेस, जिसके मानिए मुअन्नस खुदा। अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई भी जिन्स नहीं, ना वो मुअन्नस है ना मुज़क्कर है, और अल्लाह एक है, अल्लाह की जमा नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड को जोड़ते हैं फादर, तो हो जाता है गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर या अल्लाह अब्बा जैसी कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह पिता नहीं है। अगर हम जोड़ते हैं मदर, तो हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर या अल्लाह माता या अल्लाह अम्मी नहीं है। अल्लाह एक यूनिक लफ्ज़ है, इसीलिए हम अल्लाह को अरबी में अल्लाह कहना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से दिगर ज़बानों में हम कहते हैं देव, देव का हो जाता है देवी, फिर हो जाता है देवता, खुदा का हो जाता है खुदाओ, ईश्वर का हो जाता है परमेश्वर। इस तरीके से जितने भी दिगर ज़बानों में हम पुकारते हैं खुदा को, उसको तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है अक्सर, लेकिन अल्लाह एक यूनिक लफ्ज़ है। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान कोई गैर मुस्लिम से बात कर रहा है और इंग्लिश में अल्लाह के बदले गॉड इस्तेमाल करता है या उर्दू में खुदा कहता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि गॉड इज़ नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द अरेबिक वर्ड अल्लाह। खुदा अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। लेकिन मजबूरी के तहत जब आप गैर मुसलमान से बात कर रहे हैं और ये अल्फाज चाहे वो खुदा हो या गॉड हो इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो सही तर्जुमा नहीं है। और ये लफ्ज़ अल्लाह अहम मज़ाहिबों के किताबों में मौजूद है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे सिखिज़म हो, हिंदू धर्म की किताबों में भी मौजूद है ये लफ्ज़ अल्लाह। आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्रा नंबर 11 में लिखा हुआ है लफ्ज़ अल्लाह, खुदा के लिए, भगवान के लिए। इसका तस्करा ऋग्वेद किताब नंबर 3 पाठ नंबर 30 मंत्रा नंबर 10 में भी है। ऋग्वेद किताब नंबर 9 पाठ नंबर 67 मंत्रा नंबर 30 में भी है। और उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है अल्लो उपनिषद। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना पसंद करते हैं, वरना नहीं तो आप कोई भी नाम से पुकारिए, लेकिन अच्छे नाम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो नाम से जो अल्लाह अपने आप को पुकारना पसंद करता है। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू धर्म और अरकान ईमान में रुकन नंबर 2 में क्या यकसानियत है। रुकन नंबर 2 है फरिश्ते। हिंदू धर्म में खुसूसन फरिश्तों का जिक्र नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे तो सुपर बीइंग्स का जिक्र है, जो वो काम कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकते। और इस्लाम में फरिश्तों को अल्लाह सुभान व तआला ने बनाया है नूर से, रोशनी से, और हर मलाइका का एक खुसूसन मकसद होता है बनाने के लिए, उसको एक काम के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क बनाया गया है। मिसाल के तौर पे जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया था वही नाजिल करने के लिए। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला वही नाजिल करते थे, तब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो वही को लेके आते थे अल्लाह से पैगंबर तक। रुकन नंबर 3 है खुदा की किताब। पहले हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म की किताबों के बारे में। हिंदू धर्म की किताबों को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। एक है श्रुति और दूसरी है स्मृति। श्रुति की मानी है समझना, वही, इसकी मानी है टू अंडरस्टैंड, टू रिवील। और श्रुति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब है, भगवान के अल्फाज है। और ये 2 किस्म की है, वेद और उपनिषद। और ये सबसे ऊंची है, श्रुति स्मृति से ऊंची है। और हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दोनों भगवान की किताबें हैं। वेद 4 किस्म के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह है ऋग्वेद, यह है यजुर्वेद, यह है सामवेद। ये 3 वेद पहले आए, उसके बाद आया अथर्ववेद। वेद के मानी है नॉलेज, इल्म। लेकिन कब ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। कब, कौन सी तारीख को ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। इसमें इख्तिलाफ है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद 131 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। ये पृथ्वी के किस भाग में सबसे पहले ये वेद आई, ये किसी को नहीं पता। कौन से ऋषि पे नाजिल हुई या किसने लिखा ये नहीं पता। कब, कहां, कौन सी तारीख, किस जगह नहीं पता। इसके बावजूद हिंदू इस वेद को सबसे अहम किताब मानते हैं हिंदू धर्म की, अव्वल सबसे अहम। अगर कोई भी दूसरी किताब वेद से टकराती है तो मानना चाहिए वेद की बात। फिर दूसरे नंबर पे आती है उपनिषद। उपनिषद के मानी है उपनिषद, टू सिट डाउन नियर, नीचे बैठना। जब गुरु अपने शागिर्दों को इल्म देता है और बैठता है उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद की मानी भी है इल्म जो अंधकार को दूर करता है। उपनिषद 200 से ज्यादा है, लेकिन भारतीय तहजीब कहती है कि 108 उपनिषद है और अहम उपनिषद है 10, कोई कहता है 18। ये जो है प्रिंसिपल उपनिषद श्री राधा कृष्ण ने लिखी थी, ये कहते हैं 18 अहम उपनिषद है। उपनिषद के मानी मिलती जुलती वेदांता से, वेदांत के मानी वेद के अंत में आना। इसके बाद दूसरे किस्म की किताबों का नाम है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना। स्मृति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब नहीं है। स्मृति इंसानों ने लिखी है और स्मृति में लिखा हुआ है किस तरीके से ये कायनात वजूद में आई, किस तरीके से इंसान को जिंदगी बसर करना चाहिए, माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह। इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। स्मृति श्रुति से नीचे है। स्मृति श्रुति के बाद आती है, श्रुति और अहम है। स्मृति में हमारे पास जब हम तहकीक करते पता लगता है स्मृति में है पुराणास, ये पुराना, और एक अहम पुराना है जिसका नाम है भविष्य पुराना। पुराना के मानी ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। पुराना संस्कृत और हिंदी में पुराना मतलब ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। और पुराना में जिक्र है किस तरीके से कायनात वजूद में आए, देव और देवियों के किस्से और कहानियाँ वगैरह वगैरह। और महर्षि व्यास ने पुराणास को इकट्ठा किया और 18 जिल्दों में बांटा। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास मतलब एपिक स्टोरी, कहानी। दो इतिहास है, रामायण और महाभारत। रामायण में जिक्र है श्री राम की कहानी और आम हिंदुस्तानी, हर हिंदू जानता है रामायण के बारे में, तो ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद इतिहास है महाभारत। महाभारत में जिक्र है कौरव और पांडव दोनों रिश्तेदारों के बीच एक जंग होती है, उसके बारे में इसमें जिक्र है। और महाभारत में जिक्र है श्री कृष्ण की आत्मकथा, उसके बारे में कहानी श्री कृष्ण की जिक्र है महाभारत में। और महाभारत का एक अहम हिस्सा उसको कहते हैं भगवत गीता। यह है भगवत गीता, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू धर्म में भगवत गीता। इसके 18 भाग है और ये 18 पार्ट जो है ये महाभारत के पार्ट है। भीष्म पर्व के पाठ नंबर 25 से पाठ नंबर 42 को कहते हैं भगवत गीता। और इस भगवत गीता में श्री कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे अर्जुन को, इसे कहते हैं भगवत गीता। उसके बाद कई स्मृति है जैसे मनुस्मृति। यह मनुस्मृति मैं क्यों यहाँ लेके आया हूँ तो आप जाने का, ये सब किताबें मौजूद है और इस किताबों के कई तर्जुमे हमारे लाइब्रेरी बॉम्बे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में है। जब मैं हवाला दे रहा हूँ तो कोई ये नहीं समझना चाहिए क्या मैं कुछ भी बंडल मार रहा हूँ, किताबें मौजूद है। सारे किताब तो लेके नहीं आ सकता था बम्बई से मैं, हमारी लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, स्टेज पे सारे किताब भी रखे तो शायद स्टेज कम पड़े। ये था मुख्तसरन हिंदू धर्म में किताबों का जिक्र। लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर वेद से कोई किताब टकराई, हमें मानना चाहिए वेद की बात। अब हम जिक्र करेंगे मजहब इस्लाम में किताबों के बारे में। सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद, कुरान शरीफ। ये अल्लाह सुबहाना व तआला का आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है इंसानियत के लिए, और नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 में, आयत नंबर 38 में, लिकुल्लि अजलिन किताब, हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। वी हैव सेंट अ बुक इन एवरी एज। आखिरी किताब नाजिल की, उसका नाम है अल कुरान। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल की अल्लाह सुबहाना व तआला ने, वो सिर्फ एक उम्मत के लिए भेजी गई थी, एक नेशन के लिए, एक ग्रोह के लिए, और उसका सारा पैगाम, तमाम पैगाम एक खुसूसन वक्त के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह सुबहाना व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी वही है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजी गई थी, या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रा, हमने ये किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ताकि वो सारी इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में ले आए, अंधेरे से रोशनी में ले आए और हिदायत दे। कई जगह इसका तस्किरा है कि कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए नाजिल की गई थी। सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में, सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 में, कई जगह आता है कि कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए नाजिल की गई थी। नंबर 2 पे आता है कुरान मजीद के बाद सही हदीस, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें है, उनका कहना, उसे कहते हैं हदीस। जो आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी बसर की, उनका लाइफस्टाइल, उनके नरेशन, उनका कहना मौजूद है हदीस में। कुरान के बाद नंबर 2 पे आता है सही हदीस। सही हदीस कुरान की तफसीर है। कभी भी सही हदीस कुरान के खिलाफ नहीं जाएंगी। कुरान नंबर 1, उसके बाद आता है सही हदीस। अब हम तस्किरा करेंगे रुकन नंबर 4 का, खुदा के पैगंबरों के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लाम में पैगंबरों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खलाफिहा नज़ीर, नहीं है कोई कौम या उम्मत जहाँ हमने हिदायत देने वाला नहीं भेजा, कोई पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। लेकिन जितने भी हिदायत देने वाले आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत, अपने ग्रोह के लिए आए, और जो पैगाम वो लेके आए सिर्फ महदूद था एक वक्त के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, जिसका जिक्र है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, क्योंकि वो आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने उनको भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरो, हमने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म में पैगंबरों के बारे में। पैगंबरों के बारे में मुख्तलिफ राय है। सबसे आम राय है हिंदुओं के बीच अवतार की। अवतार एक संस्कृत लव है जिसके माने अव कमिंग, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। अवतार के माने नीचे आना। और जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अवतार के माने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज के अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज अ रिवेर्ड सोल और अ डायटी कमिंग इन बॉडीली फॉर्म ऑन दिस अर्थ। अवतार की मानी आम हिंदू समझते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि खुदा इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे उतरता है। और ये राय वो लेते हैं भगवत गीता से, पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 में, जिसमें कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब नेकी घटेंगी ओ भारत और बुराई बढ़ेंगी मैं आऊंगा। अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को नष्ट करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा। इस भगवद गीता के श्लोक के वजह से यह अवतार का तस्वुर है। इसका तस्करा भागवत पुराणा में भी है, खंड 9 अध्याय 24 श्लोका 56 में, जिसमें लिखा है जब भी नेकी घटेंगी और बुराई बढ़ेंगी मैं आऊंगा। अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को बर्बाद करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नेकी की हिफाजत करने के लिए, इस 2 श्लोका के जरिए आम हिंदू में ये तस्वुर अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं ये लफ्ज जो अवतार है इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, ये खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि ये अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराणा से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, आम हिंदू में यह तस्वुर अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं यह लफ्ज जो अवतार है इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, ये खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि यह अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे ये जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है, और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्व में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी कि जब तहकीक करते हैं पता लगता है, इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा, मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे। वो आएगा मरुस्थल से, मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को, इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन, मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा, वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा, वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा, वो इनकलाब बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा, उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है, वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा जिसे कहते आदान, वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर सूअर का गोश्त नहीं खाएगा, वो पाक नहीं होगा घास और फूस से लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराण में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं के सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराण में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20, पाठ नंबर 127, मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने के वजह से, वक्त की कमी होने के वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ पहले 2 का करूँगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगी, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्रा नंबर 1 में लिखा है आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है नर, नर मानी आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए, तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्यवाणी अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 53 मंत्रा नंबर 9 में भी है। कई जगह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्रा नंबर 64 इसमें लिखा है कि ये ऋषि अपने माँ का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ का दूध उन्होंने नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे, अहमद मानी जो आदमी तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद। और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंदिरा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे, ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है, अथर्वा वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्रा नंबर 16 में, अथर्वा वेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्रा नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में नरशंसा जैसे कई जगह है। जैसे मैंने कहा था नरशंसा की मानी है नर, जिसका मतलब है आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ के लायक, नरशंसा मतलब वो आदमी जो तारीफ के लायक, और मोहम्मद की मानी भी है वो आदमी जो तारीफ के लायक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्रा नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्रा नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 106 मंत्रा नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 142 मंत्रा नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 3 मंत्रा नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्रा नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2 मंत्रा नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 64 मंत्रा नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 182 182 मंत्रा नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्रा नंबर 37, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्रा नंबर 57, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 31, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 55, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्रा नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्रा नंबर 19, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्रा नंबर 42। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा, सैकड़ों हवाले है। और सिर्फ हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। और मैंने एक तकरीर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कसट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया। मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में, वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराणा में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सदर सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे, उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा, और उसके हाथ में होगा सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराणा में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराणा में भी है, पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल की पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है, जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल की पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है, ये पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में। कल की पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है, ये कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूँगा। नंबर 1, इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी हैं खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी हैं अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल की अवतार के माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल की अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के ख़ानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल के अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील अलैहि सलाम पहली वही लेके आते, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसकी मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल के अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफ़ेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके ज़रिए वो मेराज किए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब ज़मीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के चार दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते ये चार दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह चार खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रदिल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। ये था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताब। पाँचवा रुकन ईमान का आखिरत। पहले हम तस्करा करेंगे आखिरत का हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में मुख्तलिफ राय है आखिरत के बारे में। सबसे आम राय है साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ। हिंदी में कहते हैं पुनर्जन्म, संस्कृत में कहते हैं समसारा, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, भी इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड ऑल्सो री इनकारनेशन थ्योरी। आम हिंदू समसारा में मानते हैं और वो कहते हैं और तस्करा करते हैं भगवत गीता की एक श्लोक का। भगवत गीता में लिखा है पाठ नंबर 2 में श्लोका नंबर 22 में, जिस तरीके से इंसान अपने पुराने कपड़े निकालता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नए जिस्म में जाती है। इसका जिक्र बृहदयंकर उपनिषद में भी है, पाठ नंबर 4 भाग नंबर 4 मंत्रा नंबर 3 में। लाइक अ कैटरपिलर वॉक्स अप अ ग्रास ऑफ ब्लेड and jumps to another blade, same way a soul throws away the old body and enters a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और फिर दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नए जिस्म में जाती है। आम हिंदू समझता है समसारा के बारे में, इंसान पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है, ये साइकिल है बर्थ, डेथ और रिबर्थ की। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर्जन्म की मानी पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं समसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ के बारे में, हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। और इसका जिक्र है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 16 मंत्रा नंबर 4 और 5 में। तो पुनर्जन्म का जिक्र है, लेकिन ये साइकिल बर्थ, डेथ, रीबर्थ का जिक्र नहीं है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वेद में लिखा है कि और एक ज़िंदगी है, और अगर आप इस ज़िंदगी में सफल होंगे, अगर इस जिंदगी में सफल होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का जिक्र है एक अमन की जगह, एक सलामती की जगह, जिसके नीचे बहेंगी दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, वहाँ फल होंगे और अमन होगा। अगर आप इस दुनिया में सफलता नहीं पाते तो आप जाते हैं नरक में। नरक एक सज़ा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र है वेद में आग जैसा। अब हम तस्करा करेंगे आखिरत का जिक्र इस्लाम में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में, क्या आप अल्लाह में नहीं ईमान लाएंगे ये जानने के बाद कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, फिर मौत दी और फिर से ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि इंसानों को पहचान सके, ताकि इंसानों का इम्तिहान ले सके। दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हेयर आफ्टर। ये जिंदगी इम्तिहान है। अगर हम जिंदगी में सफल होते तो हम जाते हैं जन्नत में, और जन्नत का तस्करा है कुरान और सही हदीस में। अमन की जगह, सलामती की जगह, जिसके नीचे दूध की नदियाँ बहती है, शहद की नदियाँ बहती है, फल है कई किस्म के, खजूर है, अनार है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अनार को हम जानते वैसे अनार ने करोड़ों गुना बेहतर फल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम सफलता नहीं पाते इस दुनिया में, हम जाएंगे जहन्नम में। जहन्नम एक सज़ा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र कुरान मजीद में आग के साथ, और कहा गया कुरान मजीद में जिसका ईंधन होगा पत्थर और इंसान। तो जब हम तहकीक करते हैं हिंदू धर्म की किताबों का और मजहब इस्लाम की किताबों का, हमें पता लगता है कि दोनों में आखरत का जिक्र है। छठा रुकन कदर, तकदीर। हिंदू धर्म में भी तकदीर है, कदर है कि भगवान खुदा इंसान की कदर लिखता है और जानता है क्या होगा। इसी तरीके से इस्लाम में भी कदर, तकदीर का तस्करा है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की तकदीर लिखी है। कभी वो पैदा होगा, कब मरेगा, वगैरह वगैरह। ये था मुख्तसरन तौर पे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में ईमान के अरकान के बारे में यकसानियत। मुख्तसरन सा कुछ वक्त तक, अभी तकरीर ख़त्म होने के पहले मैं तस्करा करूँगा कुछ और यकसानियत का। अगर सारे दिन भी मैं तकरीर करूँ यकसानियत तो काफ़ी है, मैं सिर्फ अहम यकसानियत जो आम हिंदू और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है, कोशिश करूँगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज़ें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामू, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है, फस्तनिबू लल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज़, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए, कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए और इन लोगों को सारे मज़ाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो दुनिया भर घूमें। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 94 में, शराब गंदगी से बनती है, इसीलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा और आम इंसान शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है कि हराम है, कई जगह, और भी जगह लिखा है। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47 to 50 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 225 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोका नंबर 151 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 2 मंत्रा नंबर 12 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 14 में भी लिखा है कि शराब हराम है। अभी हम तस्करा करेंगे जुए के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्रा नंबर 3 में, इसमें लिखा है कि जुए खेलने वाला जुआरी वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरी वालदा, मेरी माता मुझसे नफरत करती है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्रा नंबर 13 में कि जुआ मत खेलो लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। आगे जब हम पढ़ते मनुस्मृति, इसमें लिखा है पाठ नंबर 7 में श्लोक नंबर 50 में, जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना ये चारों बड़े गुनाह हैं और जुआ खेलना हराम कई जगह लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 221 to 228, मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना ज्योतिषगिरी से ये हराम है और राजा उन्हें कठिन से कठिन सज़ा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए, रिश्वत इस्लाम में हराम है। और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 to 262 में भी है। यहाँ लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है, राजा उन्हें कठिन से कठिन सज़ा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। जब हम कुरान मजीद पढ़ते अल्लाह सुब्हानहू तआला कम से कम 4 आयतों में फरमाते हैं, सूरह बकरा, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलअहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह बि, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर, खून, खिंजीर का गोश, सुअर का गोश और गैरुल्लाह के नाम का खाना। जिस खाने पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है खुदा के अलावा, वो आपके लिए हराम है। जब हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म की किताबें, इसमें भी लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 5 श्लोका नंबर 19 में, इसमें लिखा है कि ब्राह्मण सूअर का गोश नहीं खाना चाहिए, खिंजीर नहीं खाना चाहिए, उसके लिए हराम है। विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 5 श्लोक नंबर 49 में, अगर कोई खिंजीर का गोश बेचता है, सूअर का गोश बेचता है, उसका हाथ या उल्टे पैर काटना चाहिए। कुरान में भी लिखा है कि सूअर का गोश खाना हराम है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई सूअर का गोश बेचता है तो उसके हाथ और पैर काटना चाहिए। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है विष्णु सूत्रा में पाठ नंबर 5 श्लोक नंबर 49 में, अगर कोई सूअर का गोश्त खिंजीर बेचता है उसका हाथ या पैर काटना चाहिए। इस्लाम में मर्द और औरत के लिए हिजाब के बारे में लिखा है, इस्लाम में मर्द और औरत को हिजाब करना चाहिए। इसका जिक्र है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 में, और कई जगह सही हदीस में इसका जिक्र है, और कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में है। मुख्तसरन से इसके 6 नुक्ते हैं हिजाब के। नंबर 1 वो है सतर, एक्सटेंड। आदमी का सतर है नाफ से लेके घुटने तक, ये हिस्सा हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखा सकती है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका होना चाहिए। यह है सतर औरतों के लिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए सेम है, यकसा है। दूसरा पॉइंट, दूसरा नुक्ता, कपड़े जो पहने जाते हैं वो पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ताकि लोग कपड़े के थ्रू देख सके। तीसरा, कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि जिस्म का ढांचा दिखे। पहले के अलावा बाकी 5 नुक्ते आदमी और औरत के लिए यकसा है। चौथा नुक्ता कि कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर कर सके। इट शुड नॉट बी सो ग्लैमरस सो दैट इट अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, दूसरे मज़ाहिब के निशानी वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, आपको हिजाब के बारे में जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में, आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब पशुराम को देखते हैं, श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, पशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको। पुट द वेल, वेल योरसेल्फ एंड लो योर गेज। जब हम पुरानी किताब पढ़ते हैं कॉइनेज के बारे में, सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में, ऑफ गुप्ता एज, इसमें कई फोटो है जिस पे दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में सिक्कों पे औरतों के फ़ोटो होते थे और कई हिंदुस्तानी औरत, इस भारत देश के औरतें अपना सिर पल्लों से ढकते थे और ये वेल और ये पल्लो कई बार कोनी तक आता था। आज की तारीख में भी, आज भी अगर आप जाएंगे कई गांव में औरतें सिर को पल्लों से ढकते हैं, जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है। वक्त की किल्लत होने की वजह से एक और हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत का जिक्र करूंगा। इस्लाम में मर्द को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 4 बीवी रखने की इजाज़त है, उससे ज़्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को ख़त्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है? आप मेरी तकरीर सुनिए, वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन के हुकूक इस्लाम में, या मिसकनसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलतफहमी। लेकिन मैं ये वाजे करना चाहता हूँ इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज़्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं, हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज़्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है, श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? और विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 24 में, मंत्रा नंबर 1 में, श्लोक नंबर 1 में, कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है? आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं, तकरीर ख़त्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को ये अंग्रेजों ने। आए थे तिजारत करने के लिए लेकिन लूट लिया हमारे देश को। और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए, उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। इस्लाम में मर्द को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 4 बीवी रखने की इजाज़त है, उससे ज़्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को ख़त्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है? आप मेरी तकरीर सुनिए, वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन के हुकूक इस्लाम में, या मिसकनसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलतफहमी। लेकिन मैं ये वाजे करना चाहता हूँ इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज़्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं, हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्करा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज़्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है, श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? और विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 24 में, मंत्रा नंबर 1 में, श्लोक नंबर 1 में, कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है? आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं, तकरीर ख़त्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को ये अंग्रेजों ने। आए थे तिजारत करने के लिए लेकिन लूट लिया हमारे देश को। और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए, उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। और सबसे अव्वल और बेहतरीन रिफॉर्मर उसमें से उसका नाम है राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय की पैदाइश है 1772 की, और राजा राममोहन रॉय ने महारत पाई अंग्रेजी जबान में, पर्शियन में और अरबी जबान में। और वो सख्त खिलाफ थे सती के, औरत बीवी अपने आप को अपने शोहर के पैर पे जब उसे जलाया जाता है, जब अंदर जाती है जल जाती है जिंदा, उसे कहते हैं सती, उसके खिलाफ था। राजा राममोहन रॉय ने कोशिश की उपनिषद को फैलाने की। उन्होंने कहा कि उपनिषद के टीचिंग्स है, जो सिखाया गया उपनिषद में उसके मुताबिक हमें जिंदगी जीना चाहिए। और वो सख्त खिलाफ थे बुत परस्ती के। उन्होंने किताब लिखी सन 1803 में, तोहफाहुल मुहाद्दीन, एक किताब लिखी पर्शियन में, तोहफाहुल मुहाद्दीन। इसमें लिखा कि भगवान खुदा एक ही है, बुत परस्ती गलत है, वो पॉलिथियज्म, अनेक खुदा के खिलाफ थे, खुदा सिर्फ एक था। उन्होंने कहा और इस किताब में लिखा कि बुत परस्ती हराम है, अवतार गलत है, भगवान इस जमीन पे रूप लेके नहीं आता है, इंसान का रूप धारण करके नहीं आता है। और राजा राममोहन रॉय ने लिखा कि जात पात, कास्ट सिस्टम गलत है, ऊंच नीच जात पात गलत है। और उन्होंने कायम किया एक इदारा जिसका नाम था ब्राह्मो समाज। और ब्राह्मो समाज के ट्रस्ट डीड में राजा राममोहन रॉय लिखते हैं कि इस ट्रस्ट के बिल्डिंग में कोई भी बुत, कोई भी स्टैच्यू, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी कार्विंग, कोई भी फोटो, कोई भी पेंटिंग और इसके जैसी चीज इस बिल्डिंग में नहीं आएंगी। वो इतना खिलाफ थे बुत परस्ती के। और ब्राह्मो समाज और फैलने लगा और इसके कई शाखे, मैनी ऑफशूट्स ऑफ ब्राह्मो समाज। लेकिन जितने भी शाखे बने ब्राह्मो समाज के, उनके चंद नुक्ते यकसा थे। नंबर एक, वो मानते थे कि खुदा एक है, भगवान एक है। दे वर अगेंस्ट पॉलिथीज्म, अनेक भगवान के खिलाफ थे। इसमें लिखा था कि बुत परस्ती हराम है, गलत है। इसमें लिखा था कि अवतार जैसी चीज, भगवान इंसान का रूप धारण करके धरती पे नहीं आते। कास्ट सिस्टम, जात पात के खिलाफ थे। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ऑप्शनल था, आपको मानने का है तो मानो, नहीं मानने का है तो नहीं मानो, पुनर्जन्म में। राजा राममोहन रॉय के बाद आते हैं जस्टिस रानाडे, बॉम्बे के थे। उन्होंने कायम किया प्रार्थना समाज। और जो ब्राह्मो समाज में सिखाया जाता था, इसमें भी वही था, भगवान एक है, अनेक नहीं है, बुत परस्ती गलत है, अवतार गलत है, जात पाति के खिलाफ थे। लेकिन खुसूसन उनने कहा कि औरतों को तालीम देना चाहिए और औरतों जब उनके शोहर मर जाते हैं, जब उनके पति मर जाते हैं, इंतकाल होता है, उन्हें फिर से शादी करना चाहिए। तारीख कहती है कि उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर आए, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो गुजराती ब्राह्मण थे और उन्होंने कायम किया आर्य समाज। और आर्य समाज के शाखे सब जगह है, बॉम्बे में भी है, पुणे में भी है। और उन्होंने कायम किया 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें वेद पे तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ वेद के ऊपर अमल करना चाहिए, बाकी कोई किताबों पे नहीं, सिर्फ वेद। और जो चीज वेद से टकराती है उसे छोड़ देना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि भगवान खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, अवतार जैसी चीज नहीं है। उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर है स्वामी विवेकानंदा। वो स्वामी रामाकृष्ण के शागिर्द थे और ने कायम की रामाकृष्ण मिशन। और उन्होंने फेमस किया हिंदू धर्म वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वो जाते शिकागो और वो कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिलीजन्स के, वहाँ जिक्र करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं ये लफ्ज़ हिंदू गलत है, सही लफ्ज़ होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि हमें वेदा में मानना चाहिए। और वो वेद के सिखाए हुए चीज़ें को फैलाने की कोशिश की। हमें सिर्फ वेद पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो वेद से टकराता है उसे छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जितना सबसे बड़ा हिस्सा था वेद का, वो तो आज हमारे पास नहीं है, जो भी कुछ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, भारत देश में आए तिजारत करने के लिए, हमारे देश को लूटा, बर्बाद किया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो, हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाओ और देश को लूटो, देश पे राज करो। ये हिंदू रिफॉर्मर्स जैसे राजा राममोहन रॉय, जस्टिस रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ये लोग कोशिश किए कि हमारे तहजीब को फिर से सही करें। और मैंने इनकी किताबें पढ़ी। जो भी कुछ मैंने कहा आज के तकरीर में, मैंने मेरे खुद दिमाग से नहीं कहा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी और फिर पता लगा कि ये भी हिंदू धर्म में मौजूद है। लेकिन अक्सर जब ये हिंदू रिफॉर्मर्स किताब लिखे, हवाला नहीं दिए। अक्सर लोग जब कहते हैं और किताब लिखते हैं, हवाला नहीं देते। मैं हूँ तालिबे इल्म कंपैरेटिव रिलीजन का, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, तालिबे इल्म हूँ तकाबुल मज़ाहिब का। और अक्सर तकरीर में, अक्सर 99% जब भी कोई बात करता हूँ, चाहे इस्लाम की हो, हिंदू धर्म की हो, ईसाईयत की हो, हवाला देता हूँ, ताकि लोग को यकीन हो कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैंने क्या किया, इनकी किताबें पढ़ी और तहकीक की वेद में, भगवत गीता में, उपनिषद में, पुराना में। उन्होंने कहा, ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने भगवान एक है, किधर लिखा है? ने कहा, मैंने तहकीक की। छंदोग्य उपनिषद पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 मंत्र नंबर 1 एकम एविदित्यम, भगवान एक है दूसरा नहीं। इस तरीके से तहकीक करके मैंने हवाले इकट्ठा किए और ये तकरीर आपके सामने पेश की। ये मेरे दिमाग में से अपने आप नहीं लिखा, किताबें पढ़ी, तहकीक की और आपके सामने। हवाले क्यों दिया? तो लोग समझेंगे कि ये जाकिर मुसलमान है, इधर उधर बंडल मार रहा है, किताबें मौजूद है, हमारा इदारा है माशाल्लाह बम्बई के अंदर, कोई भी चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, आके देख सकता है, पढ़ सकता है, तहकीक कर सकता है। और अक्सर मैंने जब हवाले दी वेद के दिए, क्योंकि वेद सबसे ऊंची किताब, सबसे अहम किताब है हिंदू धर्म में। अगर आप बाकी हवाले भी निकाल देंगे उपनिषद के, भगवत गीता के, पुराने के, फिर भी मेरी तकरीर तकरीबन वही रहेंगी। लेकिन जानबूझ के मैंने हवाले दिए भगवत गीता के, पुराना के और दिगर किताबों के, क्योंकि ये किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती है, हिंदू इस किताबों को ज़्यादा पढ़ते, भगवत गीता को वेद से ज़्यादा पढ़ते। मानते हैं कि वेद ऊपर है लेकिन पढ़ते भगवत गीता ज़्यादा, इसीलिए मैंने इन किताबों का भी जिक्र किया मेरे तकरीर में हवाले के साथ, ताकि वो लोग भी जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराना पढ़ते हैं, जान ले इसमें क्या लिखा है। मैं भी पहले इन ब्रिटिशर्स, इन अंग्रेज के ट्रैप में आ चुका था, उनके फैलाए हुए जाल में आ चुका था। मैं समझता था हिंदू धर्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। फिर मैंने हिंदू रिफॉर्मर्स की किताब पढ़ी, वेद का मुताला किया, दिगर किताबों का मुताला किया, हिंदू मज़ाहिब के, हिंदू धर्म के, और फिर तकरीर पेश की। हमने इस देश भारत ने अंग्रेज से तो छुटकारा पा चुका है, वी हैव रिसीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज से आज़ाद तो मिली, लेकिन उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल अब तक हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अंग्रेज तो चले गए, अपने गलत चीजें छोड़ गए, हम अब तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करते, खुसूसन इस देश के पॉलिटिशियंस। अंग्रेज चले गए, अपनी गलत हरकत छोड़ गए। इस देश के पॉलिटिशियन, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, अक्सर वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, झगड़े फसाद फैलाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। इस देश भारत में सारे जहां में, सारे जमीन में सबसे ज्यादा राइट्स, सबसे ज्यादा राइट्स, कम्युनल राइट्स, मजहब के राइट्स, दंगे फसाद इस देश में होते। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भी देश में दंगे फसाद होते हैं मजहब के नाम से, वो है भारत में। और अक्सर जब हम तहकीक करते हैं, इसकी जड़ होती है अक्सर पॉलिटिशियंस, हिंदू और मुसलमान में भेदभाव पैदा करते हैं, झगड़े फसाद करवाते हैं ताकि वो अपनी वोट हासिल कर सके। आप देख रहे अयोध्या में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, दीज पॉलिटिशियंस दे ऐड फ्यूल टू द फायर, ये पॉलिटिशियन लोग अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। पॉलिटिशियंस अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, आई डोंट अग्री, मैं ये नहीं मानता हूँ, आई डोंट अग्री दैट पॉलिटिशियंस ऐड फ्यूल टू द फायर, द पॉलिटिशियंस ऐड फायर टू द फ्यूल। पॉलिटिशियंस आग में ईंधन नहीं डालते, ईंधन में आग डालते हैं। ईंधन के कई फायदे हैं, गाड़ी चलती है, प्लेन चलती है, फैक्ट्रियां चलती है, देश का बढ़ावा होता है। फ्यूल इज यूज फॉर गुड वर्क। ये पॉलिटिशियंस इस ईंधन में आग डालते और देश को बर्बाद करते। अक्सर एक आर्टिकल आया था 2 साल पहले दिसंबर के महीने में 2003 में, जापान कहती है कि अगले 20 साल में ये देश भारत इंडिया सुपर पावर बनेगा। जो देश जो सबसे आगे जाएगा वो है भारत इंडिया, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। माली हालत से सबसे ऊंचा होगा हिंदुस्तान, साइंस की हालत से हिंदुस्तान, ताकत की हालत से हिंदुस्तान। हम जानते हैं अंग्रेज आने के पहले हिंदुस्तान सारे दुनिया में सबसे अव्वल था, ताकती लिहाज से, माली लिहाज से। अंग्रेज आए, लूट लिया हमारे देश को। मेरी दरखास्त है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे पॉलिटिशियन भाइयों से कि आप अपनी मजहबी किताबों का मुताला कीजिए और कम से कम जो यकसानियत है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उस यकसानियत पर अमल करो, साथ में रहो और इस देश की तरक्की होने दो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वेरी सून, बहुत जल्दी हमारा देश सबसे आगे होगा, अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे, इंशाअल्लाह। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 71 मंत्र नंबर 4 में, दे सी द वर्ड्स बट दे सी नॉट, दे हियर द वर्ड्स दे हियर नॉट। वो देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते, सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनते। देख रहे हैं कि वेद में लिखा है कि बुत परस्ती मत करो, फिर भी करते, सुन रहे लेकिन फिर भी नहीं सुनते। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जून, डेफ द डम द ब्लाइंड दे विल नेवर रिटर्न टू द ट्रू पाथ। वो गूंगे, वो बहरे, वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। अक्सर धर्म के ठेकेदार, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, धर्म के ठेकेदार जो धर्म अधिकारी होते हैं, अपने धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म के हो या इस्लाम मजहब के हो, वो नहीं चाहते कि उस धर्म के मानने वाले अपनी किताब पढ़े, क्योंकि अगर लोग मजहब की किताब पढ़ने लगे तो उनका खिस्सा कैसा भरेगा, वो नहीं चाहते। इसलिए मैंने एक तकरीर की, क्या कुरान को समझ के पढ़ना ज़रूरी है, और वहाँ कहा कि कुरान को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेहतर है कि अरबी ज़बान हम जाने ताकि हम डायरेक्ट कुरान को समझ सके। अगर अरबी ज़बान नहीं जानते तो कम से कम उस ज़बान में कुरान का तर्जुमा पढ़ो जिस ज़बान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू ज़बान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए कुरान मजीद का तर्जुमा, अगर हिंदी ज़बान पे महारत है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी ज़बान पे महारत है मराठी में पढ़िए, लेकिन कम से कम कुरान का तर्जुमा तो पढ़िए, फिर आपको कोई भी घुमाएगा नहीं। इसीलिए सर विलियम म्यो एक क्रिटिक है इस्लाम का, बहुत स्ट्रांग क्रिटिक, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ लिखता है, फिर भी उसने लिखा 200 साल पहले कि कुरान एक वाहिद किताब है, एक वाहिद मजहबी किताब है जो अब तक इसमें मिलावट नहीं है। 1200 साल तक के आज की तारीख में 1400 साल के बाद भी कुरान में ज़रा भी मिलावट नहीं। क्यों? एक क्रिटिक, एक इस्लाम का दुश्मन भी लिखता है। क्यों? क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है अरबी ज़बान में और कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग दुनिया भर में अरबी ज़बान जानते हैं। कोई कुरान में मिलावट कर ही नहीं सकता। 15 से 20 करोड़ इंसान अरबी ज़बान जानते हैं, लेकिन दिगर मज़ाहिब की किताब जिस लैंग्वेज, जिस ज़बान में लिखी गई है वो डेड लैंग्वेजेस है, मरी हुई ज़बान है। हार्डली हैंडफुल ऑफ देम नो, चंद लोग सिर्फ जानते हैं, तो मिलावट करना बहुत आसान है। इसीलिए मेरी दरखास्त है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, इस देश भारत के गवर्नमेंट से, हिंदू भाइयों से कि आप संस्कृत पढ़ो, अपनी किताबों का मुताला करो, अपनी हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करो, वेद पढ़ो जो सबसे अहम किताब है, और फिर जानो उसमें क्या लिखा है। और आज हम ये वादा करें हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, कि हम कम से कम, इख्तिलाफ तो है हमारे मजहब में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ तो है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है, उसको छोड़ दे। कम से कम जो चीज यकसा है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम अज कम उसके ऊपर अमल करे, कम अज कम वो चीज़ अमल करे जो यकसानियत हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है। इन दोनों धर्मों मजहबों में लिखा हुआ है कि भगवान खुदा एक है, खुदा का कोई भी बुत नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, उसका अवतार नहीं है। हम खुदा के पैगंबरों में माने और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने, ईमान लेके आए, आखिरत में माने, उस खुदा की किताबों में माने, और ये मान ले कि ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। इंशाअल्लाह हमारा देश तरक्की करेगा, ये दंगा फसाद बंद हो जाएगा और हम आखिरत में भी सफलता पाएंगे। मैं तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ कुरान मजीद की आयत से, सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब सच्चाई हक आप तक पहुंच चुकी है, अगर आप इसको मानेंगे तो आपके लिए बेहतर है, अगर इसको ठुकराएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। मैं आपके ऊपर वकील नहीं हूं और मैं आपके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, अब इस जलसे का दूसरा दिलचस्प पहलू जो है और दूसरा जो सेशन है वो सवालात व जवाबात का सेशन है। सामीन में 5 माइक लगाए गए हैं, 3 मर्दों के लिए और 2 ख़वातीन के लिए। अगर सवाल पूछने वालों में कोई गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम हो तो उन्हें पहली तरजीह दी जाएगी, इन्हें सबसे पहले सवाल करने की इजाज़त होगी। तो मैं तमाम हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई जो इधर यहाँ मौजूद हैं वो सामने आ सकते हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनके लिए कतार की भी पाबंदी नहीं है। ये हिदायत तमाम 5 माइक के लिए है। अब मैं सवालत का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। माइक नंबर 1 पर जो साहब खड़े हैं वो अपना सवाल पूछें। माई नेम इज कमल किशोर पाल एंड आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम स्कॉलर बैच इन दिस कैंपस एंड माई क्वेश्चन फॉर यू इज, अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज सेड दैट गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स who would worship him, but what is the reason behind creating human beings even though he had so many worshippers in the form of angels? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत क्या है? इतनी चीज़ है, फरिश्ते हैं, तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे? क्या अल्लाह को ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह महान है। हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है। हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है, अल्लाह अकबर है। हम चाहे बोले या ना बोले अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा, अल्लाह कम हो जाएगा? नहीं। क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 15 में लिखा है कि अल्लाह डजंट रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम। अल्लाह सुबहाना व ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमको अल्लाह की ज़रूरत है। हम अल्लाह सुबहाना व ताला की तारीफ़ करते हैं, इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं हम उसकी बात मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है और एक क्वैक है, एक अजनबी इंसान। अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज़ करो, और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो, आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात। किसकी बात? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान, हम अल्लाह की तारीफ़ करते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, सब तारीफ़ करते हैं अल्लाह की। जब हम तारीफ़ करते हैं कि वो हाकिम है, वो रहमत वाला है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह को तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उनकी तारीफ़ करते हैं उस अल्लाह की, तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है, हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम जब उसकी तारीफ़ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे। तो हम तारीफ़ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। तो हम जब तारीफ़ करते हैं हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो, तो हम शराब पीना छोड़ देते हैं। फ़ायदा किसका होता है? अल्लाह का फ़ायदा होता है हमारा। हम बीमारी से बचते, सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते, कैंसर ऑफ ऑबिसोफेगस से बचते, कैंसर ऑफ लिवर से बचते। मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूँ डॉक्टर होने के लायक, अगर आप शराब नहीं पीते। अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो, फ़ायदा किसका है? हमारा, अल्लाह का थोड़ी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए, ताकि हम आखिरत में सफलता पाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान ले कि हम में से कौन अच्छा है और हम इस इम्तिहान में सफलता पा सके। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं होता। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 से हमारे भाई सवाल करें। मेरी गुजारिश है इस तरफ अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारे हैं तो पहले उनको सवाल करने का मौका दें। मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में। लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है। तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्लि अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहु ताला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है लफ्ज़ से। ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता, वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूँ, ये गलतियाँ खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूँ। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान, फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की किताब। तो जो चीज़ कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगम्बर है? कुरान में आता है सूरह फातिर, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता, वो पैगंबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Nayak, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. भाई ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक जोग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूँगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा हिंदू के दो डेफिनेशन है। जोग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूँ। जोग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंदस के पास रहता है और मैं इस देश में रहता हूँ, और मैं गर्व से कह सकता हूँ क्या मैं इंडियन हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मैं उसका तर्जुमा करता हूँ तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूँ, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूँ, सारी चीज़ों पे अमल करता हूँ, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूँ। इसमें कई चीज़ें सही भी, कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता। तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूँ। जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात, सारी रज़ा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूँ, उसे कहते हैं मुस्लिम। सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली, जोग्राफिकली आई एम एन इंडियन, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I'm Rubina Attar and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes. So, what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिमा, मुस्लिम औरत, कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लेके आए। तो दोनों केस में इर्रिस्पेक्टिव whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिर्क नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शोहर हूँ मैं। इफ़ आई लव माई वाइफ, आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्ना। हम जब कहते हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के, इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप द आंसर इज द क्वेश्चन। सर, मैं रविंद्र शेड़गे स्टूडेंट हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बायफर्गेशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज़ है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बायफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बायफर्केशन किया अंग्रेज़ ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज़ इसके ज़िम्मेदार है, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, कभी मुझसे नफरत नहीं करते। कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुज़म के बारे में तकरीर करता हूँ, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते। कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूँ, ओ डॉक्टर ज़ाकिर नायक जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूँ, मेरी टोपी मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ, लेकिन मेरी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई हम में झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी गलत चीज़ें छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो। इख्तिलाफ है, मैं ये कहूँगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ। इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्वधर्म एक। वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही। ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है। कोई मुस्लिम को पकड़ते, बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक। मैं कहूँगा वो हिंदू पंडित से, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं कहूँगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं ये कहता हूँ इख्तिलाफ तो है, कम से कम वो चीज़ जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें। मेरी एक दरख्वास्त है, कम से कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम से कम एक किताब खुदा की है और 100% सही है। हिंदू बोलेगा मुझे एतराज़ नहीं, वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे एतराज़ नहीं, वेदा पूरी सही किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे एतराज़ नहीं बाइबल को मानने में, बाइबल खुदा की किताब है 100% सही। मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है, किसी को एतराज़ नहीं। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी, खुदा एक है। ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जानता है। बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज़ इख्तिलाफ के उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज़ यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे धर्म एक है। मैं तकाबल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज़ यकसा है उसके ऊपर अमल करो। जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है, एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर नाजिल कुरान। तो मैं कह रहा हूँ कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक पे सवाल और जवाबात का सिलसिला ख़त्म हुआ। पेपर स्लिप्स पे आए हुए सवालात के जवाबात हम डॉक्टर साहब से लेंगे। पहला सवाल भाई तुषार दीक्षित का है। आप पूछते हैं कि आपने तो अपने भाषण में ईमान के पिलर्स के बारे में बताया, क्या इसी तरह इस्लाम के पिलर्स के बारे में कुछ है जो हिंदू धर्म से समानताएँ रखती हैं? भाई तुषार का सवाल था कि मैंने तकरीर में इस्लाम में जो ईमान के अरकान हैं और हिंदू धर्म में इन दोनों के बीच अक्सानियत है, उसका जिक्र किया। क्या हिंदू धर्म और इस्लाम के अरकान में अक्सानियत है कोई? जैसे मैंने तकरीर में फरमाया था कि सारी अक्सानियत का जिक्र करने का वक्त नहीं था, लेकिन जब हम तहकीक करते हैं इस्लाम में जो पिलर्स है, इस्लाम में जो अरकान हैं और हिंदू धर्म में यकसानियत काफ़ी है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 1 हदीस नंबर 8 में, इस्लाम 5 अरकान पे मबनी है। इस्लाम के 5 अरकान है। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तौहीद के बारे में। नंबर 2 सलाह, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 सौम और नंबर 5 हज। पहले रुकन का जिक्र तो तकरीर में कर चुका हूँ मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि खुदा एक है, हमें बुत परस्ती नहीं करना चाहिए और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए, और आखिरी पैगम्बर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा रुकन इस्लाम का है अक़ीमुस्सलाह, टू एस्टैब्लिश सलाह। सलाह के तफसील करने का वक्त नहीं है, लेकिन सलाह का अहम जो भाग है वो है सजदा, और सजदा का जिक्र कुरान मजीद में 92 टाइम्स आता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम उक़्नुती लिरब्बी की वस्जुदी वरक़ई मर्रा याक़ीन, ऐ मेरी आप सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाए। सजदा का कई जगह जिक्र है। जब हम हिंदू धर्म की किताब पढ़ते हैं, हिंदू धर्म की किताब में जिक्र आता है साष्टांग का। साष्टांग, साष्टांग के मानी क्या है? सा, आश और अंग। स के साथ आष्ट आया है, आष्ट की मानी है 8 और अंग की मानी है जिस्म का हिस्सा। तो साष्टांग के मानी है 8 जिस्म के हिस्से। उसका मतलब है जब अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो 8 जिस्म के हिस्से लगना चाहिए। अफसोस की बात है जब हम हिंदू को देखते साष्टांग करते हुए, वो पूरा ज़मीन पे लेट जाता है, सारा बदन ज़मीन पे लगता है, लेकिन सही लफ्ज़ की मानी है 8 हिस्से बदन के लगना चाहिए। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे 8 बदन के हिस्से लगते हैं ज़मीन को, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8 हिस्से। हम जब सिजदा करते हैं उसी तरीके से इबादत का तरीका दिया गया है हिंदू धर्म की किताबों में। तीसरा रुकन ज़कात, कि हर मुसलमान जो 85 ग्राम 85 ग्राम्स सोना से ज़्यादा उसके पास बचत है, उसे हर कमरी साल 2.5% खैरात में देना चाहिए। और ज़कात की मानी है टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। अगर हर अमीर इंसान दुनिया में ज़कात दे तो गरीबी हट जाएगी, कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में आता है सूरह अल हशर में, सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में, कि ज़कात इसलिए है ताकि वेल्थ, जायदाद, माल सिर्फ अमीरों के बीच ना घूमे। द वेल्थ डज नॉट सर्कुलेट ओनली अमंग्स द रिच। और जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 117 मंत्रा नंबर 5 में लिखा है कि आप दान दो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो आज एक इंसान के पास है, कल दूसरे इंसान के पास है। जिस तरीके से गाड़ी का पहिया घूमता है उस तरीके से माल घूमता है। खैरात के बारे में भगवत गीता में भी जिक्र है, पाठ नंबर 16 श्लोक नंबर 3 में, और भगवत गीता पाठ नंबर 17 श्लोक नंबर 20 में है कि खैरात करो। चौथा अरकान सोम, हर बालिग मुसलमान को जिसकी सेहत अच्छी है उसे रोज़ा रखना चाहिए, खाना और पीना से परहेज करना चाहिए फजर से लेके मगरिब तक और पूरे रमज़ान के महीने तक। और कुरान में जिक्र आता है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में, 183 में, fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self restraint. रोज़ा आप पर फ़र्ज़ करार दिया है जिस तरीके से पहले लोगों पर फ़र्ज़ करार दिया गया था, ताकि आप लोग परहेजगार बनो। रोज़ा इसीलिए करार दिया गया है फ़र्ज़, ताकि लोग परहेजगार बने। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इफ़ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिज़ायर। अगर आप भूख पे काबू पा सकते हैं तो आप अपने सारे ख्वाहिशों पर काबू पा सकते हैं। रोज़े रखने के कई फ़ायदे हैं अगर आप सही तरीके से रोज़ा रखें, जिस तरीके से इस्लाम में जिक्र आता है, पूरे महीने तक, एक कमरी महीने तक। तो साइंस आज कहती है आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। और रोज़े में, रमज़ान के महीने में, कई गलत आदतें आपके दूर हो जाती है। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं फजर से लेके मगरिब तक, फिर इंशाअल्लाह पैदाइश से मौत तक के आप सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं आपको। अगर आप शराब से परहेज़ कर सकते हैं फजर से लेके मगरिब तक, तो शराब को आपको छूने की ज़रूरत ही नहीं पैदाइश से मौत तक के। रोज़े का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में कई किस्म के रोज़े हैं। एक किस्म जिसका जिक्र आता है मनुस्मृति में, पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 24 में लिखा है, आप रोज़ा रखो एक महीने तक। बाकी कई किस्म के रोज़े मौजूद है हिंदू धर्म की किताबों में। जब आप पढ़ते मनुस्मृति, उसमें जिक्र आता है रोज़े का, पाठ नंबर 4 और श्लोक नंबर 222 में, और पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 204 में भी। पांचवा रुकुन इस्लाम का, पांचवा रुकुन है हज। हर बालिग मुसलमान को जो हैसियत रखता है माली और सेहती, उसे कम से कम ज़िंदगी में एक बार हज करना चाहिए, जिसके मानी उसे मक्का जाना चाहिए हज के महीने में। और हज एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है आलमी भाईचारे का, बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द पहने होते दो सफ़ेद कपड़े बिना सिलाए हुए, आप ये नहीं पहचान सकते आपके पास जो खड़ा है वो राजा है या फ़कीर है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आलमी भाईचारे का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहा नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और हमने आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं होता है जात पात की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, उम्र की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा या फ़कीर, सफ़ेद या काला, पीला या घियुआ। अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा हो सकता है सिर्फ तकवे की बुनियाद पे, सिर्फ नेकी की बुनियाद पे। और हिंदू धर्म की किताबों में भी कई तरह के तीर्थ है, पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है। एक जिक्र है ऋग्वेद में, किताब नंबर 3 पाठ नंबर 29 में, मंत्रा नंबर 4 में, जिसमें लिखा है कि इलेस्पद पे जाओ जो नभा पृथ्वी में है। इलेस्पद की मानी संस्कृत में है इले मतलब खुदा, स्पद मतलब जगह, खुदा की जगह। और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलेस्पद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह, खुदा की जगह। और लिखा है ये जगह, ये इलेस्पद है नभा पृथ्वी में। नभा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के बीच, इस पृथ्वी के बीच। और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में, मक्का इज़ इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलेस्पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं। और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में पाठ नंबर 29 मंत्रा नंबर 11 में, हमें यकीन होता है कि ये मक्का है। क्यों? इसमें जिक्र आता है नरशंसा का, जो मैं तकरीर में कहा, नरशंसा वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, तारीफ़ के लायक है, जिसके मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इलेस्पद आया, नबा पृथ्वी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में वो है मक्का के बारे में। ये मुख्तसरन सा था इस्लाम के अरकान और हिंदू धर्म के बीच में यकसानियत। भाई पुरुषोत्तम का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते तो ज़रूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको ज़रूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे तो ज़रूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की ज़रूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय, एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज़ कि मैं जानता हूँ कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, ये आसमान से आवाज़ जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से क्योंकि वो नहीं समझ पाता है कि आई माँ चक्की पीसती है। आसमान में आई माँ नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूँगा कि ये ठंडर जो है ठंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की ज़रूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता। वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफ़ेद झूठ भी जायज़ नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे ज़रूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा, जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल्स सिखाते फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में क्या 2 + 2 = 4। अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5 मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम मैं कहूँगा 2 + 2 ≠ 5 = 4। ये गलत है। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं। जो चीज़ गलत है गलत है, ये हमारा फ़र्ज़ है क्या उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज़ है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है। वो पूछते हैं, पानी को हम अलग अलग ज़बानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा, वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज़ के लिए। एक चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मौय। लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मौय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मैं डॉक्टर ने कहा कि रोज़ सुबह में 1 ग्लास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूँ कोशिश करता हूँ तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है, तो उसने कहा नहीं वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है हाँ ये पानी ने कुछ और चीज़ पी रहा है, पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और, पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। मैं लफ्ज में कहना चाहता हूं वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है। मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते, इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज़ मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे दे के ले लेते, आप परखते हैं विद अ टच स्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज़ को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्ला अबिदुर रहमान अयमा तदु फलल अस्माउल हुस्ना। आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत नाम है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं। और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं। जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास के बुनियाद पर। अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूरह इखलास के बताए हुए 4 आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है। वो पूछते हैं, पानी को हम अलग अलग ज़बानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा, वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं, एक वही चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मौय। लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मौय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मैं डॉक्टर ने कहा कि रोज़ सुबह में 1 ग्लास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूँ, कोशिश करता हूँ तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है, तो उसने कहा नहीं वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है हाँ ये पानी ने कुछ और चीज़ पी रहा है, पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और, पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। मैं लफ्ज़ में कहना चाहता हूँ वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज़ को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है। मैं जानता हूँ कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुद्ध परस्ती मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते, इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज़ मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे दे के ले लेते, आप परखते हैं विद अ टच स्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज़ को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्ला अबिदुर रहमान अयमा तदुफ अल अस्माउल हुस्ना, आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत नाम है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं, और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं। जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास के बुनियाद पर। अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूरह इखलास के बताए हुए 4 आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल राजेश का है, वो पूछते हैं अगर इस्लाम के माने अमन हैं तो क्यों जिहाद यानी कत्ल व गारतगिरी का कुरान में हुक्म है, जबकि हिंदू धर्म में अमन की बात कही गई है। भाई साहब ने कहा कि कुरान में क्यों कत्ल के बारे में कहा गया है जब इस्लाम मजहब है अमन का, और हिंदुज़म में अमन के बारे में कहा गया है। अक्सर हिंदू पूछते हैं कि कुरान में जिहाद के बारे में क्यों लिखा गया है, क्यों कत्ल के बारे में लिखा गया है। बहुत से लोगों, गैर मुस्लिम और मुस्लिम को गलत फहमी है ये लफ्ज़ जिहाद के बारे में। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद करना। लोगों को गलत फहमी है कि कोई भी जंग, कोई भी मुसलमान अगर कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे खुद के फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे खुद के फ़ायदे के लिए हो, खुद के नाम के लिए हो, खुद के माल के लिए हो। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव टू स्ट्रगल। और इस्लाम में जिहाद की मानी है टू स्ट्राइव अगेंस्ट वन ओन इविल इंक्लिनेशन, जुद्दोजहद करना अपने खुद के नफ्स के खिलाफ, बुराई के खिलाफ। जिहाद के माने ये भी होती है कि जुद्दोजहद करना माशरे को सुधारने के लिए। जिहाद के माने ये भी होती है कि जंग के मैदान में अपने आप को बचाने के लिए जुद्दोजहद करना। जिहाद उसे भी कहते हैं कि जंग करना जुल्म के खिलाफ, उसे भी कहते हैं जिहाद। लेकिन जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। लोगों को गलत फहमी है और गलत तर्जुमा करते जिहाद का अंग्रेजी में एज होली वॉर। होली वॉर को अरबी में कहेंगे हर्ब मुकद्दसा, और ये अरबी लफ्ज़ हर्ब मुकद्दसा कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं आ पाएंगे। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स के लिए, जब अंग्रेज अपना दीन अपना मजहब फैला रहे थे तलवार के बल पर और हज़ारों लोग का कत्ल किया, उस टाइम कहते थे होली वॉर। आज की तारीख में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए, जो बिल्कुल गलत है। और जब हम पढ़ते हैं दिगर मज़ाहिब की किताबों के बारे में, लोग गलत हवाला देते हैं कुरान मजीद का और लोगों को गलत फहमी में डाल देते हैं। कई क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शौरी, इस भारत के हैं, उनने भी किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास, और एक आयत को हमेशा कोट करते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। और वो कहते हैं, काफ़ी क्रिटिक्स अरुण शौरी भी, कि कुरान में लिखा हुआ है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कि जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे उनका कत्ल करो। और उनका कहना है ब्रैकेट में, वो कहते एज दो हिंदू लोग, जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे, जहाँ भी हिंदू को पाएंगे आप कत्ल करो, कुरान में लिखा है। जब आप कुरान शरीफ खोलते हैं और पढ़ते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे उनका कत्ल करो, लिखा है, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना चाहिए वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड से। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में आयत नंबर 1 से हम पढ़ते, उसमें पता लगता है क्या एक मुआहदा था, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकों के बीच, और ये पीस ट्रीटी एक तरफा मक्का के मुशरिकों ने तोड़ा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में, अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे 4 महीने में तो ऐलान जंग। और जंग की हालत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों से, जब आपके दुश्मन आएंगे, जो लोग हक को छुटलाते हैं, काफिर लोग आएंगे, तो आप डरो मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग के बारे में है। आज की तारीख में कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही के हिम्मत अफजाई के लिए कहेगा कि लड़ो, दुश्मन का कत्ल करो। वो नहीं कहेगा कि भाग जाओ, वो ये नहीं कहेगा कि झगड़ा मत करो, कत्ल मत करो और मर जाओ। ये है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इन कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे मैदानी जंग में कि डरो मत, झगड़ा करो। और अरुण शौरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवा में आयत नंबर 5 से जम मारता है आयत नंबर 7 पर। क्यों? आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते इसके बाद, लेकिन अगर काफिर, अगर मुशरिक अमन चाहता है उसे दे दो, अमन चाहता है तो उसे अल्लाह का कलाम सुनने दो और हिफाजत के साथ एक महफूज जगह तक पहुंचाओ। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि उसे जाने दो, लेकिन अगर वो काफिर अमन चाहता है तो उसको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाओ। आज के तारीख में सबसे दयालु आर्मी जनरल ये कहेंगे कि दुश्मन को जाने दो, कोई भी ये नहीं कहेगा दुश्मन को हिफाजत के साथ महफूज जगह पर छोड़ाओ। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है, जब भी आयत आती है कुरान मजीद में कत्ल के बारे में या इस टाइप के जिहाद के बारे में, किताल के बारे में, फ़ौरन अगली आयत में अक्सर आता है अमन सबसे बेहतर है। सूरह अनफाल में पढ़ो, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में लिखा है कि तैयार हो जाओ, काफिर के खिलाफ झगड़ा करो। उसके बाद आता है अगर अमन चाहते हो बेहतर है। तो ये क्रिटिक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते और लोग को बहकाते हैं। मेरा तरीका है, जिस तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। मैं हिंदुओं से कहता हूँ कि आप जब महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई मंत्रस है झगड़ने के बारे में, लड़ने के बारे में, किताल के बारे में, कत्ल के बारे में। और अगर हम तहकीक करेंगे तो कुरान से कई गुना ज़्यादा महाभारत में है कत्ल के बारे में। तो हिंदू मुझसे कहता है, लेकिन जाकिर साहब कत्ल के बारे में ये जो श्लोकास है, मंत्रास है महाभारत में, वो हक और बातिल के दरमियान है। कुरान में भी वो है। तो हिंदू भाई मुझसे कहता है तो मुझे कुरान से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो महाभारत के बारे में जानता है। तो हवाला देते तो कुरान भी कबूल करता है, ऐसे जंग से मुझे कोई शिकायत नहीं। और जब भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता एक नसीहत है श्री कृष्ण दे रहे अर्जुन को। अर्जुन कहता है भगवत गीता में पाठ नंबर 1 श्लोका नंबर 43 to 46 में, अर्जुन अपने सारे हथियार ज़मीन पर रख देता है और कहता है मैं निहत्था मरना पसंद करूँगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से झगड़ा करना, लड़ना। हम जानते हैं महाभारत एक लड़ाई के बारे में है कौरव और पांडव के बीच, और जंग के मैदान में अर्जुन अपने हथियार रख देता है और कहता है मैं निहत्था मरना पसंद करूँगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करूँ, लड़ूँ। फौरन बाद भगवत गीता पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन ऐसे गलत ख्यालात कैसे आए तुझ में, इससे स्वर्ग से दूर जाएंगे, नर्क में जाएंगे। हाउ कुड सच इम्प्योर थॉट कम इन योर माइंड, इट विल टेक यू अवे फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ हेवन, हाउ कुड यू बी सो इम्पोर्टेंट। और आगे पढ़ते हैं तो लिखा है भगवत गीता पाठ नंबर 2 में मंत्रा नंबर श्लोक नंबर 31, 32, 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्षत्रिय का धर्म है कि वो लड़े और कामयाब है, ब्लेस्ड दो क्षत्रिय, वो लोग के ऊपर अच्छाई आए, वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है। अगर क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो वो गुनाह कर रहा है, अगर लड़ेगा तो जन्नत में जाएगा। और बहुत से क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते हैं, वो एक हदीस पेश करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही बुखारी में से है, जिल्द नंबर 4 किताबुल जिहाद पाठ नंबर 2 हदीस नंबर 46, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मुजाहिद जंग के मैदान में उसका कत्ल हो जाता है तो जन्नत जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलेगा। बहुत से गैर मुसलमान इस हदीस का एतराज़ करते, कैसा धर्म है ये इस्लाम, कैसा मज़हब है जिसमें लिखा है कि अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे और मर जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, स्वर्ग मिलेंगी, वापस आएंगे तो आपको दौलत मिलती है। जब हम भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 37 में लिखा है, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठो और लड़ो, अगर जंग के मैदान में तुम्हारा कत्ल होगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे तो इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हु बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कैसे ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम में ये अरुण शूरी खुद की किताब नहीं पढ़ा, ना भगवत गीता, ना महाभारत, और कुरान के बारे में खिलाफ लिखने लगा। अफसोस की बात है, खुद की किताब पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। तो इसीलिए हर मज़हब में जब ज़रूरत है किसी का कत्ल करना गलत है। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो शख्स इस ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, ये दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा है तो वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचाता है तो वो सारी इंसानियत को बचाता है। तो कत्ल करना एक इनोसेंट आदमी का हराम है। लेकिन जब वक्त कत्ल के बदले कत्ल या जंग के मैदान में जहाँ ज़रूरत है जुल्म के खिलाफ लड़ना, तो भगवत गीता में भी इसका जिक्र है, महाभारत में भी, बाइबल में भी है। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सही इल्म आपको लग जाएगा इस्लाम में क्या कहा गया है जिहाद के बारे में। होप द आंसर इज द क्वेश्चन। पेपर स्लिप पर आए हुए सवालात का ये आखिरी सवाल है संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता? बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मानते हैं बहस के तौर पे, तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों नहीं बन सकता है? अगर खुदा मनुष्य बना, इंसान बना, तो वो खुदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि खुदा और मनुष्य, खुदा और इंसान की क्वालिटी, सिफात बिल्कुल अलग है। खुदा की ना शुरुआत है, लेकिन इंसान की शुरुआत है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, ये तो नामुमकिन है। अगर गॉड बिकम्स मैन, ही सीजेस टू बी गॉड। अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है, क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं, आदमी की शुरुआत है। हाउ कैन यू हैव अ गॉड मैन? एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, इट इज मीनिंगलेस। खुदा का अंत नहीं है, आदमी का अंत है। अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस। ये बिना कोई मानी के है। खुदा इमॉर्टल है। ह्यूमन बीइंग, दे आर मॉर्टल। हाउ कैन यू हैव अ पर्सन हु इज मॉर्टल एंड इमॉर्टल एट द सेम टाइम? इट डजंट मेक सेंस। खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को खाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान शरीफ में सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं लेकिन दूसरों को खिलाता है। अल्लाह डज नॉट रिक्वायर टू बी फेड बट ही फीड्स एवरीवन एल्स। इंसान को नींद की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, नींद की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयतुल कुर्सी में आयत नंबर 255 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है। ना ही उन्हें नींद की ज़रूरत, ना ही उन्हें आराम की ज़रूरत। वो मालिक है सारी दुनिया का, सारे आसमान का, सारे आसमान और दुनिया का खालिक है। तो दोनों मुख्तलिफ है, बोथ आर डिफरेंट। मान भी लेते हैं कि खुदा इंसान बना तो खुदा रहता ही नहीं, और जब खुदा नहीं रहा तो इंसान को पूछने की क्या ज़रूरत? आप और हम भी इंसान हैं, तो क्या फ़ायदा इंसान को पूछ के? अगर हम इस बहस को आगे लेके जाते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो इस बहस को आगे लेके आते तो ये भी मानने पड़ेगा कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, खुदा झूठ भी बोल सकता है। हम जानते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता। अगर खुदा झूठ बोला तो खुदा नहीं रहता। वही अंदाज से लोग ये भी कह सकते हैं कि खुदा नाइंसाफ़ी कर सकता। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, खुदा थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर खुदा नाइंसाफ़ी किया तो खुदा ही नहीं रहता। इसी बहस को आगे लेके जाते तो कह सकते अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा भूल भी सकता। लेकिन भूलना खुदा की सिफत नहीं है, झूठ बोलना खुदा की सिफत नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में, खुदा नहीं भूलता। अगर खुदा भूला तो खुदा ही नहीं रहता। अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा गलती भी कर सकता, लेकिन गलती करना खुदा की सिफत में से नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा कभी भी गलती नहीं करता। अगर गलती किया तो खुदा ही नहीं। इसीलिए कहीं भी कुरान में ये नहीं लिखा है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कुरान में लिखा हुआ है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह सब चीज़ों पे कायम है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। ही हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। ताकत है सब चीज़ों पे, और इसका जिक्र कई जगह कुरान में है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिह सूरह नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और बेशक अल्लाह सारे चीज़ पे कायम है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। लेकिन कुरान में ये भी लिखा है, सूरह बुरुज में सूरह नंबर 85 आयत नंबर 16 में, अल्लाह इज डूअर ऑफ ऑल व्हाट ही इंटेंड्स। अल्लाह जो भी चाहता है कर सकता है। अल्लाह लेकिन सब कुछ नहीं करता है। अल्लाह झूठ कभी नहीं बोलेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि वो गलती करे, अल्लाह नहीं चाहता कि वो झूठ बोले, अल्लाह नहीं चाहता कि वो खाना खाए, अल्लाह नहीं चाहता कि वो इंसान बने। तो इसीलिए अल्लाह सब कुछ नहीं करता है, अल्लाह अच्छी चीज़ें सिर्फ करता है। अल्लाह इज़ द डूअर ऑफ ऑल इंटेंट्स एंड इंटेंट्स ओनली गुड थिंग्स। तो ये कहना कि खुदा इंसान बना बिल्कुल बेबुनियाद है और खुदाई के खिलाफ है। होप द आंसर इज अ क्वेश्चन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ये सवालात के सिलसिला अब ख़त्म होता है।